हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं सेक्स लाइफ से रिलेटेड मेडिसिन लाता रहता हूँ और उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ताकि आपकी सेक्स लाइफ सुधर सके और आपकी जो कमी है आप उसको सही कर सकें। आज मैं लेकर आया हूँ वेदनाथ का अश्वगंधा विष सिरप। ये इसके सेक्स लाइफ में काफ़ी सुधार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, यूज़, खाने का तरीका, पीने का तरीका और क्या क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं किस किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो ये अश्वगंधा, सफ़ेद मुसलिन और पिपाली, मारिका, हरिदारी, बिदारी, ये कुछ चीज़ से मिलकर बना है। ओके, जिसका ये सब सारे ही जो आयुर्वेदिक हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इतने भी लॉन्ग टाइम पर इसको ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सबसे खास बात तो यही है इसकी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों में लिया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में लिया जाता है, पर आज हम सिर्फ सेक्स के बारे में ही बात करते हैं। तो हम सेक्स लाइफ से जो भी जो बीमारी होती है, इसमें जो काम आने वाली दवा है ये, सिर्फ हम इसी की बात करें। ठीक है, तो अब जानते हैं ये किस किस बीमारी में काम आता है। ओके, तो ये बहुत सारी बीमारी में काम आता है, लिंग से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी में काम आने वाला ये वेदनाथ का अश्वगंधा रिस्ट सीरप है। ओके, अब किस किस काम में आता है अभी जानना ज़रूरी है। तो लिंग में कड़कपन, लिंग का खड़ा ना होना या जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, या टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की कमी हो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो मुझको पता नहीं जी। और उसमें हार्मोन्स की बड़ी करता है, जिसकी वजह से लिंग में तनाव, उत्तेजना, सेक्स करने का मन नहीं होता है उसमें, वो मन करने लगता है। और अगर किसी वजह से लिंग का साइज रुका हुआ है तो उसको अपग्रेड करता है, उसको बड़ा करता है। ठीक है, टाइम लिमिट को बढ़ाता है। अगर आप इच्छुक नहीं हैं यौन संबंध, यानी कि आपका वाइफ का मन हो रहा है और आपका मन नहीं करता, अब इसको लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये मिलेगा। ओके, खास करके जिन लोगों में, जिन पुरुषों में टाइम से रिलेटेड यानी कि सेक्स टाइमिंग कमी है। ओके, जाते हैं और 1 या 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके लिए ये रामबाण का इलाज करेगा। ठीक है, उनके लिए रामबाण औषधि है। आप इनको कंटिन्यू लेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, देखना। क्योंकि मैंने काफ़ी पेशेंट को दे रखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो आप इसको लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं पर क्वांटिटी में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका यूज़ किस तरीके से लेना है। तो किस तरीके से लेना है, तो ये आपको हल्का लाइटली नीम गर्म पानी लेना है, इसमें 10 ml डाल लेना है, 10 ml पानी को के दोनों को ठीक से मिक्स कर लेना है। और उसको आपको सुबह शाम 10 ml सुबह, 10 ml शाम, यानी कि 10 ml वाटर हो गया, 10 ml ये हो गया, दोनों ही मिलकर 20 ml हो गया। तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम, ये आपको कंटिन्यू लेना है कम से कम 5 से 6 महीने तक। तुरंत आपको आराम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, मैं आपको पहले से ही बताते आया हूँ, कोई भी मेडिसिन हो वो तुरंत आराम नहीं देती है। ठीक है, उसको यूज़ करना पड़ता है काफ़ी लंबे टाइम तक। और अब जान लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्वान्टिटी में डोज बनाकर आप इसको लोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको कोई भी, इंशाल्लाह, कोई भी परेशानी की दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अन्यथा अगर कोई परेशानी की दिक्कत पड़ती है, नॉर्मली देखा गया पेट में हल्का उनका दर्द होता है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखा देना, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो दीजिए मुझको इजाज़त, अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।